जय संविधान, जय भीम। साथियों साथियों, आज मैं भारतीय संविधान के ऊपर रचित एक बहुत ही खूबसूरत संविधान काव्य को पढ़ने जा रहा हूं। उसकी कुछ अनुच्छेद जो है मैं आपके सामने आपको पढ़ के बताता हूं। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में भी वो परिवर्तन कर सकती है। भाग दो, नागरिकता से संबंधित। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय कहलाता है। बाहर से आवसे भारत में वह भी ये हक पाता है। कोई स्वेच्छा से करे विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता पर वह अधिकार होता है। भाग तीन, मूल अधिकार। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इस किसी विधि को असंगत ठहराया है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। होटल हो चाहे दुकान, सबको प्रवेश अधिकार है। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद। साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद, साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद। समाज के पिछड़े वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित जिनका जीवन वंचित सारा। छुआछूत कलंका अनुच्छेद 17 करे अंत। छुआछूत कलंका अनुच्छेद 17 करे अंत। डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संघ। डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संत। रहे ना कोई जमींदार, ना नवाब ना महाराजा। पदना होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। प्रतियोगिता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान। बनो डॉक्टर कलेक्टर, खूब कमाओ नाम। व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो। व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो। अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। संघ और समूह बनाना है, सबको अधिकार। शांतिपूर्ण करो सम्मेलन, जो हो बिना हथियार। सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी तुम जा सकते हो। कोई जगह पसंद आए तो तुम वहां भी रह सकते हो। बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार। बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार। अनुच्छेद 19 देता है तुमको ये सारे अधिकार। जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, दोषी नहीं कहलाओगे। बेगुनाह साबित होने के तुम अवसर सब पाओगे। पहले कारण बतलाएंगे, तभी करेंगे गिरफ्तार।
24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि वे आधार। कोई बच्चा ना करे मजदूरी, कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार। यदि कोई भी करे उल्लंघन, जाना होगा कारागार। नन्हे नन्हे से बच्चे नहीं करें खान में काम, नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करें खान में काम, सरकार उन्हें देगी शिक्षा ताकि बने वो बड़े महान। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपने बनाओ संस्थान, अपने बनाओ संस्थान संचालन का काम करो। कर से होगा मुक्त है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, कर से होगा मुक्त धार्मिक कार्यों का प्रबंध। सरकारी स्कूल में है धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, सरकारी स्कूल में है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई अल्पसंख्यक हैं ये भाई, बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई अल्पसंख्यक हैं ये भाई। अपने धर्म लिपि भाषा की, अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। मूल अधिकार बहुत जरूरी, प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता है संवैधानिक उपचार। मूल अधिकार बहुत जरूरी, प्रजातंत्र का सार, और इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। छीने यदि कोई अधिकार, छीने यदि कोई अधिकार, रिट दायर करवाओ न्यायालय से, लो आदेश लागू उसे करवाओ। शस्त्र बलों व आईवी में बहुत जरूरी अनुशासन, शस्त्र बलों व आईवी में बहुत जरूरी अनुशासन। अधिकारों में अल्प कटौती कर सकता है शासन। भाग चार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करे विशेष। सामाजिक असमानता कम हो, घटे आय का अंतर, सभी क्षेत्र करे विकास, अवसर मिले निरंतर, स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के साधन, सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सब संसाधन, एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन, एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन। नर नारी यदि करे कार्य तो मिले समान ही वेतन। कार्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, कार्मिकों के काम स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे ना करें हानिकारक रोजगार। सब बच्चे उन्नति करें, सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होए कभी न जाए भूल। न्याय सर्जन को मिले अपराधी या सुशील, न्याय सर्जन को मिले अपराधी या सुशील, कोई बहुत गरीब हो तो मुफ्त में मिले उसे वकील। गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, जनता को शक्ति मिले लगे विकास में धन, जनता को शक्ति मिले लगे विकास में धन। बूढ़ा हो बेकार हो असमर्थ या बीमार, बूढ़ा हो बेकार हो असमर्थ या बीमार, सहारा इनको भी मिले कुछ मदद करे सरकार। अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिलाओं को मिले विशेष आराम। जीवन का स्तर सुधरे चहुमुखी होए विकास, बेगारों को मिले काम सुविधा और अवकाश। उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूरों का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप खिले साथ ही साथ। सब नागरिकों के लिए जो देश में करे निवास, समान सिविल संहिता का किए जाए प्रयास।
नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा और सुरक्षा, बने सभ्य नागरिक, वे जीवन हो अति अच्छा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है सबसे दुर्बल, अन्यायों पर लगे रोक, मिले शिक्षा और धनबल, मिले विटामिन पोषक तत्व, उच्च स्तरीय जीवन, स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार, रुके नशे का सेवन। वैज्ञानिक तकनीक से बढ़े कृषि और पशुपालन, सुधरे नस्ल पशुओं की, वध निषेध का हो पालन। पर्यावरण सुरक्षित रखो, करो जीवन का रक्षण, वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ, वन जीवन का, वन जीवों का रक्षण। स्मारकों की करें सुरक्षा, रखें तुम विशेष ध्यान, इतिहास रहेगा सुरक्षित, बढ़ेगा सबका ज्ञान। प्रशासन का न्यायालय हो ना हो कोई दखल, न्यायपालिका रहे स्वतंत्र, न्याय मिले प्रतिफल। सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा गारंटी, आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रांति। भाग चार का मूल कर्तव्य, संविधान का करें पालन, झंडे का करें सम्मान, इसके आदर्शों को माने, आदर से करें राष्ट्रगान। आजादी के आदर्शों को समझें और बयान करें, देश की प्रभुता और अखंडता के रक्षक का काम करें, राष्ट्र की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें, भेदभाव रहित होकर भ्रातृत्व का निर्माण करें, सामाजिक संस्कृति समझें, परंपरा का मान करें, प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें, वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का कभी नहीं नुकसान करें, खुद ऊंचाइयों को छू लें, लोगों को भी बनाएं, राष्ट्र निरंतर बढ़े आगे तभी सफल हो जाएं। माता पिता या संरक्षक प्रथम काम ये करवाएं, चाहे गरीबी हो घर में, बच्चे को शिक्षा दिलवाएं। भाग पांच संघ कार्यपालिका, भारत सरकार में राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होगा, जल थल वायु सेना का वह शीर्ष अधिकारी होगा। संसद विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति चयनित होगा, 5 साल का कार्यकाल जिसका नियमित होगा। नागरिकता हो भारत का, आयु 35 वर्ष से कम ना हो, सांसद बनने लायक हो, कोई लाभ का पद ना हो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण होगा, संविधान की रक्षा और अनुपालन का प्रण होगा। राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना करते हैं, संसद सदस्य उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं, संसद द्वारा दोषारोपण महाभियोग कहलाता है, दोष सिद्ध होने पर उनको पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, पर संसद है उनसे ऊपर, राष्ट्रपति संसद न्यायालय, संविधान है सबसे ऊपर। राष्ट्रपति यदि हो असमर्थ, अनुपस्थित या फिर बीमार, भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे उनका कार्यभार। संसद के दो सदन करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के प्रति भी लेंगे श्रद्धा निष्ठा के वचन। राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी भी सजा को कम, दे सकते हैं माफी भी या फिर सजा का निलंबन। राष्ट्रपति की मदद हेतु एक मंत्री परिषद होगी, समुचित कार्रवाई हेतु जो अपना सलाह देगी। महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा, इस सलाह की अनदेखी
संभव काम नहीं होगा। मंत्री पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, लोकसभा के प्रति भी मंडल की जिम्मेदारी होगी। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रजातंत्र में वह व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। एक महान्यायवादी होगा, भारत सरकार में नियुक्त, सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा उपयुक्त। सरकार सब काम करेगी, राष्ट्रपति के नाम से उनको अवगत भी कराएगी सरकार के काम से। अब संसद के बारे में, संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था है। नए कानून बनाने हेतु उसकी ही क्षमता है। तीन भागों से होता है भारतीय संसद का गठन। सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, फिर संसद के हैं दो सदन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही करे चयन, कुछ विशेष लोगों का किया जाता है मनोनयन। प्रत्येक 5 साल में होता लोकसभा का चुनाव। यही लोकतंत्र का जादू है, जब लोग करें बदलाव। यही लोकतंत्र का जादू है, जब लोग करें बदलाव। राज्यसभा में नियुक्त होगी, उम्र चाहिए 30, लोकसभा में आने होंगे पूरे साल 25। राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में बैठक, दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका हक। लोकसभा शीघ्र चुनेगी अपना एक अध्यक्ष, लोकसभा के संचालन में होगा वह अध्यक्ष। संसद के सब सदस्यों को लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन, अपनाएंगे अपना पद। संसद के सब सदस्यों को लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन, अपनाएंगे उनका पद। सांसद नहीं बने रहेंगे, यदि हो विकृत मानसिकता, हो जाए दिवालिया या त्यागे देश की नागरिकता। सांसद सदन में बोले या रखे स्वतंत्र विचार, वाणी की स्वतंत्रता है संसद का मुख्य हथियार। संसद बनाएगी कानून और पास करेगी बिल, दोनों सदनों की सहमति से काम नहीं मुश्किल। जब कोई बिल पास होगा, सहमति देंगे राष्ट्रपति, यदि संविधान सम्मत है तो जल्द ही देंगे स्वीकृति। मंत्रालय सरकारी खर्चे का पूरा बजट बनाता है, वित्त मंत्री फिर इसको संसद में पास कराता है। संसद में होगी प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा, यदि कोई दोनों ना जाने तो बोले अपनी मातृभाषा, यदि कोई दोनों ना जाने तो बोले अपनी मातृभाषा। किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस, किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस, संसदीय कार्यवाही पर जज का नहीं चलेगा बस। संसद ना चल रही हो, परिस्थिति भी हो विशेष, राष्ट्रपति कानून बनाए, जारी करें अध्यादेश। न्यायपालिका के बारे में, पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। न्याय का मंदिर होगा, जजों का कार्यालय होगा। जज यदि बनना हो तो चाहिए संविधान का ज्ञान, जज यदि बनना हो तो चाहिए संविधान का ज्ञान। वकील या जज के रूप में पहले किया हो थोड़ा सा काम। इन सभी जजों का चयन राष्ट्रपति जी करते हैं, इनके लिए अन्य जजों से सलाह भी लेते हैं।
पद ग्रहण से पूर्व सब जज करते हैं ये बाधा, पक्षपात मैं नहीं करूंगा, रखूं संविधान मर्यादा। जज हो जाए असमर्थ या तोड़े संविधान की हल, संसद करेगी महाभियोग, छोड़ना होगा उनको पद। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा अधिकार हैं, मसला अपील का हो या फिर राज्य की तकरार, मसला अपील का हो या फिर राज्यों की तकरार। जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट नए कानून बनाता है, जटिल संवैधानिक मसलों को यूं सुलझाता है। भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, केंद्र सरकार के खर्चों का ब्यौरा उसे देना होगा। भाग छे राज्य, राज्यपाल हर राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होगा, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, कार्यालय 5 वर्ष होगा। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु भारत का नागरिक हो, आयु 35 हो, अन्य लाभ का पद ना हो। राज्यपाल को मिलेंगे भत्ते और विशेषाधिकार, साथ ही साथ होंगे वे मुफ्त मकान के हकदार। उच्च न्यायालय के जज से राज्यपाल लेंगे शपथ, जनता की करेंगे सेवा, अपनाएंगे संविधान पथ। आपराधिक मामलों में राज्यपाल रखते हैं शक्ति, दोषी की कम सजा करें या फिर दंड से दे मुक्ति। राज्यपाल विवेकानुसार करेंगे कार्यों का निर्वाह, अन्य मामलों में वे लेंगे मंत्री पद से सलाह। राज्यपाल ही करेंगे राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्य के कुल मंत्रियों की संख्या निर्धारित होगी, एमएलए की संख्या का 15% ही होगी। राज्य मंत्रियों की शपथ संविधान के प्रति होगी, सारी जनता की सेवा पक्षपात रहित होगी। मंत्री की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होगी, मंत्री को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होगी, कुछ विषयों की जानकारी उन्हें गुप्त रखनी होगी। राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, कानूनी विषयों पर होगा वो ही आधिकारिक वक्ता। राज्य की कार्यवाही होगी राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे उनको अपने काम से। अब विधानमंडल के बारे में, सब राज्यों में होगा विधानसभा का एक मुख्य सदन, कुछ में अतिरिक्त होगा विधान परिषद का गठन। विधानसभा में होगा जनसंख्या का सही अनुपात, ताकि हर समाज के लोग पूरी रखें अपनी बात। उम्र यदि 25 की हो, मन में हो सेवा का भाव, एमएलए बनने हेतु लड़ सकते हो तुम चुनाव। संविधान प्रति रखनी होगी हर सदस्य को निष्ठा, मेरा भारत रहे अखंड, ऊंची उसकी रहे प्रतिष्ठा। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सभा का संचालन, हर दल रखे अपनी बात, हो नियमों का पालन। सदन में हर सदस्य अपनी बात कर सकता है, बेखौफ बेहिचक विचार व्यक्त वो कर सकता है। सदन सदस्यों के वेतनों को तय कर सकता है, जरूरत पड़े तो भत्तों में बढ़ोतरी भी कर सकता है। विधानसभा राज्य का बिल भी पास कर सकती है, फिर उस पर राज्यपाल से वो स्वीकृति भी ले सकती है। राज्यपाल सहमत होने पर अपनी मोहर लगाएंगे, बिल में कुछ गड़बड़ है तो राष्ट्रपति को बतलाएंगे। विधानसभा बना सकती है राज्यों के लिए कानून, जिसमें राज्य का हित हो, जनता को मिले सुकून। राज्य बजट बतलाएगा सरकार का वार्षिक खर्चा, योजनाओं के मुद्दे पर
फिर होगी सदन में चर्चा। हिंदी अंग्रेजी स्थानीय होगी सदन की भाषा, कोई न जाने यदि इन्हें भी बोलेगा वे मातृभाषा। जज के आचरण पर नहीं करेगा सदन बहस, सदन की कार्यवाही पर भी ना चले कोर्ट का बस। विधानसभा का सत्र ना हो, परिस्थिति हो विशेष, राज्यपाल कानून बनाए जारी करे अध्यादेश। अध्यादेश को सदन द्वारा करना होगा पास, वरना होगा बेअसर वह बीते यदि डेढ़ साल। अब हम राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताएंगे। हर राज्य में न्याय हो हेतु एक उच्च न्यायालय होगा, जिसमें जनता की खातिर न्याय द्वार खुला होगा। 10 साल का न्यायिक अनुभव या रहा हो वकील, तब होगा उच्च न्यायालय का जज बनने के काबिल। तब होगा उच्च न्यायालय का जज बनने काबिल। राष्ट्रपति द्वारा होगी न्यायाधीश की नियुक्ति, 62 वर्ष पूरा होने पर होगी पद से मुक्ति। न्यायाधीश लेंगे शपथ, राज्यपाल के साथ सब लोगों को देंगे न्याय बिना किसी पक्षपात। अब जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके बारे में, छोटे न्यायालय पर होगी हाई कोर्ट की निगरानी, नियम पूर्वक कार्य करें सब, कोई ना करे मनमानी। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, इससे संबंधित सलाह हाई कोर्ट द्वारा होगी। 7 वर्ष वकालत वाला जिला जज बनने योग्य अन्य न्यायिक पदों हेतु है लोकसभा आयोग। अब हम पढ़ेंगे भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासन होंगे जिम्मेदार, चाहे हो दमन द्वीप या अंडमान और निकोबार। राजधानी दिल्ली में है उपराज्यपाल का शासन, यहां विधानसभा भी है जहां जनता करे निर्वाचन। भाग 5, पंचायतें। तेजी से हो सबका विकास, हो जनता का शासन, इसके लिए करना होगा पंचायतों का प्रशासन। ग्राम सभा हो, पंचायत हो जिला परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित हो पद। महिलाएं भी समाज की है महत्वपूर्ण इकाई, उनके लिए आरक्षित हो अध्यक्ष पद 1/3। राज्य पंचायतों को देंगे शक्ति और अधिकार, राज्य पंचायतों को देंगे शक्ति और अधिकार। विकास हो, न्याय मिले, हो जनता का उपकार। पंचायत कर सकती है टैक्स वसूली का भी काम, खर्चा पूर्ति के लिए राज्य भी देगा उन्हें अनुदान। प्रत्येक 5 वर्ष में होगा पंचायत का निर्वाचन, राज्य चुनाव आयोग करेगा इन सबका संचालन। भाग 9 का न्यायपालिका, नगर पालिका सॉरी। शहरों में नगर पालिका है पंचायत का दूसरा रूप, बाढ़ और उसकी संपत्तियों जैसा होगा प्रारूप। महिला कमजोर वर्गों का आरक्षण करना होगा, महिला कमजोर वर्गों का आरक्षण करना होगा। योजना लागू करने को टैक्स वसूल करना होगा। महानगर क्षेत्र में आबादी है 10 लाख से ज्यादा, प्रमुख मेयर कहलाता है, जिम्मेदारी भी है ज्यादा। भाग 9 था सहकारी समितियां के बारे में। लोग बना सकते हैं अपनी एक सहकारी समिति, बोर्ड करेगा संचालन, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति। भाग 10, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। एसटी लोगों के विकास का विशेष प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी खूब रखना होगा ध्यान। जनजाति के लिए एक सलाहकार परिषद होगी, जिससे उसके प्रशासन की नीति निर्धारित होगी। उनके
के कल्याण कार्यों पर राज्यपाल रखे निगरानी, भूमि उनकी रहे सुरक्षित, साहूकार ना करे मनमानी। राज्यपाल उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, शांति सुरक्षा कानूनों में बदली भी कर सकते हैं। असम राज्य में होंगे स्वशासी जिला और प्रदेश, लागू नहीं होंगे इन पर राज्य सरकार के निर्देश। जंगल और जनजाति में बहुत गहरा संबंध, संतुलन कैसे रखा जाए इसका है यही प्रबंध। वन भूमि का उत्पादों का जनजाति करे प्रयोग, वन भी रहे सुरक्षित, ना वो जीविका में हो। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों में निश्चित करे सुशासन, शिक्षा स्वास्थ्य संचार के दिलवाए सब वहां पर साधन। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। संसद पूरे भारत में कानून बना सकती है, विधानसभा केवल राज्य में ऐसा कर सकती है। कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है पृथक, विषय उनके निर्धारित है ताकि ना कोई करे शक। संघ सूची में लिखे हैं संसद के अधिकार, जैसे रक्षा, रेल, विदेश, सेना, दूर संचार। राज्य सूची में वर्णित है विधानसभा के अधिकार, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, वन, विद्युत, कारागार। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों का अधिकार, इनमें से है शिक्षा, न्याय, सजा, वन और व्यापार। फिर भी संसद बड़ी है, श्रेष्ठ है, उसके अधिकार राष्ट्र हित में कानून बनाए, करे अंतरराष्ट्रीय करार। कानूनों का अनुपालन निश्चित करे राज्य सरकार, वरना निर्देशित भी कर सकती है भारत सरकार। केंद्र राज्य सरकारों को दे सकता है आदेश, देश हित के कामों में यदि मुश्किल आती है पेश। दो राज्यों में विवाद हो या नदी जल का बंटवारा, केंद्र कानून बनाकर कर सकता है निपटारा। राज्यों के झगड़ों को सब मिलजुल कर सुलझाएंगे, जांच एवं सुझाव हेतु मंत्री पद बनाएंगे। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। टैक्स द्वारा जो पैसा आए, संचित धन कहलाए, भली भांति के खर्चों में यह धन काम न आए। कुछ खर्चे करने पड़ते हैं एकदम और कई बार, जिसकी खातिर कंटिजेंसी फंड रखती है सरकार। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने जनता से कर, फिर नियमानुसार आपस में बांटे इसे बराबर। केंद्र को, राज्य सरकारों को देना होगा अनुदान, जनजाति क्षेत्रों के विकास का रखना होगा ध्यान। वित्त आयोग सुझाव देता है धन के वितरण पर, ताकि राज्यों को मिले उन्नति के बराबर अवसर। केंद्र की संपत्ति पर राज्य नहीं लगाए कर, केंद्र भी इस संबंध में करे राज्य का आधार। केंद्र भी इस संबंध में करे राज्य का आदर। केंद्र राज्य कर सकते हैं व्यापार और कारोबार, समुद्री खनिजों पर होगा केवल केंद्र का अधिकार। राष्ट्रपति की ओर से साइन होंगे सब करार, पर कोई चूक हुई तो नहीं होंगे भी जिम्मेदार। कोई व्यक्ति कर सकता है संपत्ति का संचित, कानून बिना उसे नहीं कर सकते हैं वंचित। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। कोई कहीं भी कर सकता है वाणिज्य या व्यापार, जिसे जनहित में नियमित कर सकती है सरकार। केंद्र फंड के वितरण में ना करे किसी से पक्षपात, साधन विहीन राज्यों को फिर से देना होगा साथ।
भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। सरकारी कामकाज हेतु नियुक्त होते हैं अधिकारी, कार्य सुचारू रूप से हो लेते हैं जिम्मेदारी। कोई अधिकारी कर्मठ है, काम है उसका अच्छा, सबको उसको देता है काफी अधिकार सुरक्षा। संविधान उसको देता है काफी अधिक सुरक्षा। नियुक्ति करता ही किसी को पद से हटा सकता है, विधिवत जांच करा के सजा भी सुना सकता है। किसी कार्रवाई से पहले व्यक्ति को सुनना होगा, उसके दोष बताने होंगे, फिर निर्णय करना होगा। यदि गंभीर अपराध में दोषी सिद्ध हुआ अधिकारी पद से हटाया जा सकता है उसे बिना इंक्वायरी। कभी कभी सुरक्षा हित में जांच नहीं हो सकती है, बिना जांच अधिकारी की सेवा मुक्ति हो सकती है। केंद्र में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग होगा, आवेदन कर सकते हैं सेवा के इच्छुक सब लोग। आयोग करेगा संचालित नियुक्ति हेतु परीक्षा, उच्च सेवाओं में चाहिए ग्रेजुएट तक की शिक्षा। राज्यों में भर्ती हेतु है राज्य लोक सेवा आयोग, छोटे राज्य चाहे तो बनेगा एक संयुक्त आयोग। राज्यों में होंगे सदस्य, होगा एक अध्यक्ष, रहे हो सरकारी पद पर छवि हो उसकी निष्पक्ष। आयोग भर्ती संबंधी अपनी सलाह भी देगा, आयोग भर्ती संबंधी अपनी भी सलाह देगा, राष्ट्रपति को हर साल सब कामों का ब्यौरा देगा। भाग 14 का अधिकरण। केंद्र राज्य स्तर पर होंगे प्रशासनिक अधिकरण, भर्ती सेवा के झगड़ों का किया करेंगे निराकरण। कुछ अधिकरण करेंगे अन्य विवादों का निपटारा, टैक्स सिस्टम विवाद या खाद्य वस्तुओं का बंटवारा। भाग 15 निर्वाचन। प्रजातंत्र का मुख्य तंत्र है निर्वाचन आयोग, इसकी मदद से सरकारों को चुनते हैं हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त कराए, चुनाव का संचालन आचार संहिता को करवाए सख्ती से अनुपालन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल सबके चुनाव पर आयोग निगरानी रखे प्रतिफल। चुनाव आयुक्त को देता है संविधान सुरक्षा, स्वतंत्र चुनावों से ही होती प्रजातंत्र की रक्षा। लोकसभा विधानसभा का जब भी हो निर्वाचन, आयोगों को सब सहयोग देगा राज्य प्रशासन। वोटर लिस्ट में शामिल होगा हर व्यस्त का नाम, वोटर लिस्ट में शामिल होगा हर व्यस्त का नाम। इन सब को निष्पक्ष कराना है आयोग का काम। 18 वर्ष का हर व्यक्ति रखता है मताधिकार, अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकता है सरकार। एमपी और एमएलए बने हो निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र कायम रखें, यही आयोग का लक्ष्य। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जाति जनजाति का है विशेष प्रबंध, लोकसभा में आरक्षण है अनुपातित संबंध। एंग्लो इंडियन लोग यदि संख्या में कम लगते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य रख सकते हैं। एससी एसटी लोगों की जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही विधानसभा में सीटों की संख्या होगी। सरकारी सेवाओं में एससी एसटी का हो स्थान, थोड़ी छूट मिले अंकों में ताकि भर्ती हो आसान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करे हकों की रक्षा, उनसे संबंधित समस्याओं की करता है ये परीक्षा। एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, संविधान के प्रावधान उन्हें लागू करने होंगे।
आयोग करे कार्यवाही, अन्य कल्याणकारी उपाय खोजकर लाएंगे, राष्ट्रपति को आयोग अपने सुझाव बतलाएंगे, आयोग का दर्जा सिविल न्यायालय का होगा, सबकी पेशी कराने का हक उसे प्राप्त होगा, राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संसद में रखवाएंगे, सिफारिशों पर कार्रवाई से अवगत भी करवाएंगे, आयोग चाहे तो संबंधित कागज पेश करने होंगे, शपथ पत्र देकर सारे सबूत प्रकट करने होंगे। ऐसी संबंधित कोई निर्णय लेती है सरकार, आयोग से लेकर सलाह उसे करना होगा विचार। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी होगा, ऐसी आयोग जैसा स्तर उसको भी प्राप्त होगा, वैसी ही शक्ति होगी, वही कार्यवाही करेगा, जनजाति के हितों की रक्षा हर हालत में वह करेगा। एसटी की उन्नति हेतु आयोग की होगी नियुक्ति, राज्य यदि करे ढाई केंद्र करेगा शक्ति। सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं वो लोग, राष्ट्रपति उनके लिए गठित करे आयोग, आयोग अध्ययन करेगा कैसे हो उनका सुधार, कैसे केंद्र राज्य बने उन लोगों के मददगार। आयोग राष्ट्रपति को देगा सिफारिशें ब्यौरे बाद, संसद को फिर करना होगा भलाई हेतु विचार। भाग 17 राजभाषा। संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, शासकीय प्रायोजन हेतु अंग्रेजी की जरूरत होगी। राष्ट्रपति भाषाविदों का एक आयोग करे गठित, हिंदी के प्रचार हेतु प्रयास करे जो संगठित, हिंदी भाषा हो समृद्ध बड़े ज्ञान और विज्ञान, हिंदी भाषी लोगों का आयोग रखे ध्यान, विधानसभा स्थानीय भाषा को कर ले अंगीकार, पर सरकारी कामों में रहे अंग्रेजी बरकरार। दो राज्यों को आपस में यदि करना हो पत्राचार, दोनों मिलकर हिंदी को कर सकते हैं स्वीकार, उच्च और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी प्रयुक्त होगी, आदेश और अधिनियमों की प्रति अंग्रेजी में ही होगी, भाषा ही अल्पसंख्यकों का सरकार रखे ध्यान, मातृभाषा में ही मिले सब विषयों का ज्ञान। सरकार हिंदी को करे खूब करे प्रचार, अन्य भाषाओं के शब्दों से करे इसका विस्तार। 18 आपात उपबंध, युद्ध का हो संकट, विद्रोहियों का बिछा हो जाल, राष्ट्रपति संतुष्टि करके घोषित करें आपातकाल। आपातकाल के लिए चाहिए संसद की मंजूरी, एक माह के भीतर ही यह सहमति अति जरूरी। इस दौरान मिल जाते हैं केंद्र को ज्यादा अधिकार, केंद्र सरकार चला सकती है राज्य की भी सरकार, केंद्र राज्य की करेगा हर हालत में सुरक्षा, चाहे बड़ा आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह से रक्षा। राज्य यदि नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे रिपोर्ट सिलसिले बाद, फिर में लागू होगा राष्ट्रपति शासन, भारत सरकार हाथ में लेगी वहां का प्रशासन। उद्घोषणा का संसद होगा, करना होगा अनुमोदन 2 महीने में पास करके संसद के दोनों सदन। आपातकाल में छिन जाएंगे सारे मूल अधिकार, बचेगी शारीरिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार। भारत में यदि पैदा हो आर्थिक संकट काल, राष्ट्रपति घोषित करते हैं वित्तीय आपातकाल। इस दौरान राज्यों के खर्चे किए जाएंगे कम, घट जाएंगे कर्मचारियों और जजों के वेतन। भाग 19 प्रकीर्ण। राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्राप्त है विशेषाधिकार, ना उन पर कोई केस चलेगा ना होंगे वो गिरफ्तार। यदि कोई छपवाता है संसद की कार्यवाही, न्यायालय नहीं करेगा कोई दंडित कार्यवाही।
भाग 20 संविधान का संशोधन। संसद चाहे कर सकती है संविधान में संशोधन, दो तिहाई बहुमत से यदि पास करे दोनों सदन, फिर यह विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उसकी उनकी स्वीकृति मिलने पर संशोधन कहलाएगा। भाग 19 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जम्मू और कश्मीर राज्य का है विशेष अधिकार, संसद का कानून चलेगा जब राज्य करे स्वीकार। कई बहुत से राज्यों में है विशेष उपबंध, उनकी उन्नति और विकास हो कुछ ऐसे प्रबंध। भाग 22 अंतिम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ। हमारा यह संविधान भारत का संविधान कहलाएगा और 26 जनवरी 1950 से पूरा लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति जी संविधान को हिंदी में छपवाएंगे, हिंदी अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत कहलाएंगे। जय हिंद।